राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाना सीखेंगे जो हम लड्डू गोपाल जी की चोली बनाते हैं उसके साथ में सिंपल घेरा बनाते हैं, फिर डिजाइनिंग करते हैं। आज हम घेरा बनाना सीखेंगे, हम किस तरह से बनाएंगे। अगर हमें घेरा बनाना आ जाता है तो इसकी सहायता से हम कई डिजाइनिंग ऊपर कर सकते हैं और कई काफी तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरह से घेरा बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 नंबर कान्हा जी की चोली बना ली है। इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका घेरा बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर कान्हा जी का घेरा भी उसी तरह से बनेगा, 5 का बनाएंगे फिर भी वैसा ही सेम ही पैटर्न रहता है, लेकिन बस हमें ये है चोली हमें अलग अलग बनानी होती है, घेरा तो उसी पैटर्न में ही बनता है। देखिए फ्रेंड्स, चोली की हम जो खत्म करते हैं वो मोढ़े पे लाके खत्म करते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं घेरा बनाना। देखिए फ्रेंड्स, 1, 2 और ये 3, 3 चैन हमने बना ली, लूप लेंगे। नेक्स्ट चैन के अंदर, देखिए फ्रेंड्स, इस चैन के अंदर ना जाके नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 डबल क्रोशिया कर दिए हैं। फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे। हमें फर्स्ट रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। एक पहले एक चैन में एक बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, अब 2 हो गए। अब फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया। फिर से लूप लेंगे, फिर से जाएंगे नेक्स्ट चैन के अंदर, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 हो गया और 1 और 2 हो गए। और देखिए फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें ये फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है, 1 2 1 2 1 2, इस तरह से करते हुए फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। आई फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमें ज्वाइन कैसे करना है। ये जो 3 वाली चैन है इसमें फर्स्ट चैन के अंदर क्रोशे को लेना है, धागे को लेके आना है। देखिए फ्रेंड्स, 2 है, 2 से अब हम 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी और ज्वाइन भी होगी। अब हम सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें 1, 2 और 3, 3 चैन बनानी है, लूप लेना है, नेक्स्ट चैन के अंदर जाना है, 1 डबल क्रोशिया करना है। देखिए 1 और 2, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, और इसी चैन के अंदर दोबारा से 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमने पहली रो में 1 के बाद 2 डबल क्रोशिया किया था, अब सेकेंड रो में 2 के बाद 1 डबल क्रोशिया करना है। तो 1 में पहले 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर करेंगे 2 डबल क्रोशिए, और फिर से करेंगे तीसरी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिए। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हम ये रो कंप्लीट करेंगे, 1, 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2। इस तरह से अब हम ये सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो में देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 के बाद 1 डबल क्रोशिया किया था, सेकंड रो में 2 के बाद 1 डबल क्रोशिया करना है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सेकंड रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया था 2 के बाद 2 डबल, अब इसी तरह से हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में भी देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, 1, 2 और 3, 3 चैन बनाएंगे, लूप लेंगे और इसी चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 1, फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 1, और फिर से जाएंगे नेक्स्ट चैन के अंदर, 1। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1, फिर 2, फिर 3। पहले हमने 2 के बाद 2 डबल किया था, अब हम 3 के बाद 2 डबल करेंगे। अब 3 हो गए, अब इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 1, फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 2, फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 3, और फिर से जाएंगे 3 के बाद हम डबल करेंगे, 1 और ये 2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डबल हो गया है। तो इसी तरह से अब हम ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने थर्ड रो भी कंप्लीट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 डबल क्रोशिया किया है, 3 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 डबल क्रोशिया करने हैं। जैसे हमने पहली रो में 1 के बाद किया, फिर दूसरी में 2 के बाद, तीसरी में 3 के बाद, अब चौथी में हमें 4 के बाद करना है। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से करेंगे, 1, 2 और 3, 3 चैन बनाएंगे, लूप लेंगे, इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बार।
फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे, दोबारा से करेंगे दो बार, फिर से करेंगे तीन बार, और फिर से लूप लेंगे ये चार बार। तो देखिए फ्रेंड्स, चार बार हमने डबल क्रोशिया कर दिया है, और उसके बाद देखिए चार बार मैंने एक बार की एक एक करके डाले हैं। अब लूप लेंगे, अब पांचवी चैन के अंदर एक, और ये इसी में दो। देखिए थर्ड लाइन में हमने तीन के बाद डबल किया था, अब फोर्थ लाइन में हमने चार के बाद किया। देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार, अब आगे भी इसी तरह से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार देखिए फ्रेंड्स, चार डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब पांचवी चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक और एक दो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम ये फोर्थ रो कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने अब ये फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये चार के बाद डबल किया, अब इसी तरह से हम फिफ्थ सिक्स सेवन्थ जितना भी हमें बड़ा घेरा करना है हम उतना कंप्लीट कर लेंगे। मेरे को ये सिक्स रो बनानी है, मैंने फोर रो बना ली है। अब मैं आपको फिफ्थ और सिक्स रो बनाकर फिर दिखाती हूँ। फिफ्थ रो में देखिए फ्रेंड्स, पांच करने के बाद डबल करना है और सिक्स में छह के बाद करना है। इस तरह से अगर हम बड़े लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं तो हम इंक्रीज करते जाएंगे, अगर छोटे लड्डू जी की बना रहे हैं तो तीन से चार लाइन काफी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अब आपको फिफ्थ और सिक्स रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिफ्थ से सिक्स रो भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ रो में हमने क्या किया है, पांच बार बनाया है उसके बाद डबल किया है, और सिक्स रो में छह बार बनाया है फिर डबल किया है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये चोली के साथ ये घेरा भी कम्प्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमें कोई भी ड्रेस बनानी है, डिजाइनिंग करनी है, तो पहले घेरा बनाना होता है सिंपल, उसके ऊपर डिजाइनिंग होती है, उस अकॉर्डिंग मैंने अब आपको घेरा बनाना बता दी। तीन नंबर कान्हा जी का घेरा है, अगर आपको बड़े कान्हा जी का बनाना है तो आप रो को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर छोटे कान्हा जी का बनाना है तो रो को कम कर सकते हैं। इस तरह से करते हुए हम अपनी ये चोली का घेरा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।